हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है, और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना यह है कब, तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा, तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है, तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज की डेट डाल लेते हैं, ठीक है ना। आज की डेट है 15th of May 2020, ठीक है। और चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इस चैप्टर के सब कुछ जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कवर कर लिया है। हम लोगों ने सीख लिया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। हम लोगों ने सीख लिया है इसकी क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। 6-5 सिचुएशंस होती हैं, और हमने सीख लिया है इन सिचुएशंस के क्या क्या डायग्राम्स बनेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सीखा है, और अब हम सीखेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कम से कम 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर प्री बोर्ड एग्जाम हो आपका, 80 मार्क्स का जो भी एग्जाम होगा उसमें इस 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से। और मैं बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सप्लाई चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने आज ही इस न्यूमेरिकल पार्ट को ढंग से सीख लिया, ठीक है ना, आज ही अगर इस न्यूमेरिकल पार्ट को ढंग से सीख लिया, तो आपको वहां इतना दिमाग लगाने की, पजल होने की जरूरत नहीं होगी। इज इट क्लियर? और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका न्यूमेरिकल बेस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस वजह से है कि बच्चे सिर्फ इसे मैथ्स समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? मैथ्स। पर मैं बता दूं, मैथ्स का यूज है, लेकिन ये सब्जेक्ट मैथ नहीं है। ये क्या है? इकोनॉमिक्स। क्या है ये? इकोनॉमिक्स। कैसे? अभी मैं आपको दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करवाता हूं, और आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं, और वो सारे बच्चे जो कि क्या कहते हैं, बहुत टाइम से कंफ्यूज इस फॉर्मूले को लेके, हो सकता है किसी बच्चे ने टॉपिक पहले भी पढ़ लिया हो, ठीक है ना, पहले कर लिया हो, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, इसमें क्या यूज करा जाए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप बताओ। हमें ना किसी बुक से क्लियर हो रहा है, ना किसी वीडियो से क्लियर हो रहा है। तो आज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हर एक यू नो कंफ्यूजन का आंसर करूंगा, और आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इतने दिन से बता रखा है कि बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। ये हो इस डेल्टा क्यू का मतलब होता है स्टूडेंट चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। इस डेल्टा पी का मतलब होता है स्टूडेंट चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी उल्टा हो गया। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, और डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी। और पी का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस कह लो, या फिर कह सकते हो आप ओल्ड प्राइस भी इसे कह सकते हो, ठीक है ना, पुराना प्राइस। और बिल्कुल ऐसे ही जो क्वांटिटी होगी क्यू, वो भी इनिशियल क्वांटिटी होगी, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी, या फिर इसको ही आप लोग कह सकते हो ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तो इनके मतलब हैं, ठीक है, ये इनके मतलब है। बाकी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं भी करवाऊंगा, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी हर एक पॉइंट पर, आपको हर एक पॉइंट पर क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो
सबसे पहले फॉर्मूले के कंटेंट्स आप लोगों ने सीख लिए हैं, समझ लिए हैं कि फॉर्मूले के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो स्टूडेंट इसके साइन से मेरा मतलब है। तो सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में क्या सीखा था स्टूडेंट, हमने सीखा था कि अगर अगर किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी होगी डिक्रीज, और अगर किसी गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी होगी इंक्रीज, यानी इंक्रीज होगी तो प्लस और क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगी तो माइनस, और अगर ये प्राइस डिक्रीज होगी तो माइनस, क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो प्लस। कहने का मेरा मतलब यही है कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा, एक चीज अगर बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज क्या होगी कम, और एक चीज अगर कम हो रही होगी तो दूसरी चीज क्या होगी ज्यादा, ठीक है ना। हमेशा दोनों में क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो इसलिए फॉर्मूले के बाहर यहां पर माइनस प्रीफिक्स कर देते हैं, हम माइनस लगा देते हैं। ये माइनस कोई मैथ का सम नहीं है। मान लो कल को अगर ईडी की वैल्यू माइनस टू आई, कल को अगर ईडी की वैल्यू माइनस टू आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी माइनस टू है ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब इस माइनस से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथ सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ माइनस का मतलब ये नहीं है कि माइनस डिजिट है, और या प्लस का मतलब ये नहीं है प्लस डिजिट है। बस ये जो प्लस और माइनस है ये सिर्फ किस लिए है, ये रिलेशन दिखा रहे हैं। प्लस का मतलब है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं, या प्राइस भी घट रहा है और क्वांटिटी भी घट रही है, दोनों घट रहे हैं। और माइनस का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ रही होगी एक चीज कम हो रही होगी, एक चीज बढ़ रही होगी एक चीज कम होगी, दैट्स इट। और इसका यहां पर प्लस माइनस का और कोई यूज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, क्या है एग्जांपल कि भाई एक कमोडिटी है, ठीक है, एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो है रुपीज 10, ठीक है स्टूडेंट, और 10 रुपीज के ऊपर उस कमोडिटी को खरीद रहे हैं लोग 50 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, उसका प्राइस कम हो गया स्टूडेंट, प्राइस रिड्यूस होकर क्या हो गया 5, और प्राइस कम होने की वजह से आपको पता है क्वांटिटी बढ़ेगी, तो क्वांटिटी परचेज्ड हो गई 100 यूनिट्स, क्वांटिटी परचेज कितनी हो गई 100 यूनिट्स। इज इट क्लियर। चलो अब इसको ईडी फाइंड आउट करते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है और ईडी फाइंड आउट करना है। तो ईडी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी क्या होगी कि पहले हमारा क्यू था, प्रॉपर ऐसे लिखना है, मैं बता रहा हूं जैसे आपको रिजोल्व करने न्यूमेरिकल जो भी मैं दूंगा होमवर्क में, क्यू इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, और नए वाले क्यू को आप नाम दे दोगे क्यू वन, कितना दिया हुआ है 100, और इसमें चेंज कितने का हुआ 50 का, यानी चेंज इन क्वांटिटी 100 माइनस 50 यानी 50 हो गया, बढ़ रहा है तो प्लस है मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्लियर स्टूडेंट। अच्छा फिर यहां पर P, पुराने वाला P था 10, नए वाला P है 5, और डेल्टा P हो जाएगा 5 माइनस 10 यानी माइनस 5, यानी प्राइस जो है क्या हुआ है वो कम हुआ है, प्राइस क्या हुआ है कम हुआ है, और चेंज इन प्राइस माइनस 5, मतलब इन दोनों में क्या चेंज है, ठीक है ना। इसमें चेंज हुआ है 5 का, इसमें हुआ है 50 का, ये बढ़ रहा है तो इसलिए प्लस, और ये घट रहा है इसलिए माइनस। इज इट क्लियर। बाकी इनका नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मैथ्स के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, बस ये साइन किस लिए है कि यार ये जो चेंज है वो चेंज कम हो रहा है इसलिए माइनस, और ये जो चेंज है मतलब बढ़ रहा है इसलिए प्लस। इज इट क्लियर। अच्छा अब हम इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, पुट करो इनकी वैल्यूज, ईडी माइनस, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी की जगह 50 लिख दूं मैं, चेंज इन प्राइस की जगह माइनस 5, प्राइस देखो इनिशियल प्राइस 10 था मतलब पुराने वाला प्राइस तो 10 लिख दूंगा, ऐसे पुराने वाली क्वांटिटी 50 थी तो 50 लिख दूंगा, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 10 और ये 5 2, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ईडी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 2, ईडी की वैल्यू कितनी आ गई
टू, तो इस टू के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसके आगे क्या है? पॉजिटिव। अब स्टूडेंट मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब ये जो ईडी की वैल्यू टू आई है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना है स्टूडेंट कि ये कोई प्लस की वैल्यू नहीं है, ये मैथ नहीं है, ये कोई प्लस की वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि भाई अगर हम एक प्राइस में अगर 1 रुपए का मतलब 10% का चेंज होता है तो क्वांटिटी में चेंज कितने का होगा? 20%। अगर प्राइस में 10% का चेंज होता है तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा? 20%। बस ये दो का मतलब इतना है। ये दो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ईडी इज इक्वल टू टू। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई डिमांड दो है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि भाई जो दो का मतलब है कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उसका डबल चेंज हो रहा है, किसमें? क्वांटिटी, दुगना चेंज हो रहा है क्वांटिटी। क्लियर है? अगर यहां पर माइनस भी होता तो भी इसकी यही मतलब निकलता और इसका कोई मतलब नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को आप भाई यही वैल्यू सेम आप प्रीफिक्स मत लगाओ, ईडी इज इक्वल टू ऐसे लिखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू था 50, डेल्टा पी था हमारे पास कितना? 10, ठीक है ना, सॉरी डेल्टा क्यू था हमारे पास 50 और डेल्टा पी था हमारे पास 5, ठीक है 5, और पी था इनिशियली हमारे पास 10 और इनिशियली क्यू था 50। क्लियर है स्टूडेंट? तो 50 से 50 कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और 5 2, यानी अब नहीं सॉरी ये -5 था यहां पर, यहां पर क्या था? -5, वो भाई प्लस में चेंज हुआ था, माइनस में हुआ था। तो अब ईडी की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई? -2, और पहले क्या आई थी ईडी की वैल्यू? 2, तो प्लस का 2, ठीक है। तो अब ये दोनों ही चीजें क्या है? ये दोनों चीजें अलग नहीं है स्टूडेंट। अगर आप मैथ सब्जेक्ट्स में होते, मैथ मैथ का अगर कोई सम कर रहे होते हैं तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई दोनों वैल्यूज अलग है, ये ईडी अलग है और ये ईडी अलग है, दोनों डिफरेंट है। पर अगर हम यहाँ थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं और उसके अंदर ईडी इज इक्वल टू -2 और ईडी +2, इनका मतलब दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि ये जो माइनस और प्लस साइन है ये कोई नंबर शो नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन शो करने के लिए। अगर आप रिलेशन शो करने के लिए माइनस लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि इस माइनस की वजह से ये कैंसल आउट होकर जो भी डिजिट आएगी ईडी की वो प्लस में आएगी, प्लस में आएगी, ताकि बच्चा जो है स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो, पॉजिटिव नंबर है कंफ्यूज ना हो, माइनस माइनस में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। वो सिर्फ इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर माइनस आया प्लस आया दोनों का मतलब यही है कि अगर ईडी टू है तो प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, प्राइस में अगर 1 रुपए का चेंज 10% का चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी में 20% का होगा, दुगना। प्राइस में अगर 50% का चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी में 100% का होगा, दुगना। प्राइस में अगर 5% का हो रहा है तो क्वांटिटी में 10% का होगा। इसका मतलब खाली इतना है, याद करो ये कौन सा केस है? ये केस है इलास्टिक डिमांड। कौन सा केस है? इलास्टिक डिमांड। उसी में होता था स्टूडेंट्स व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1, देखो ग्रेटर देन 1 है इलास्टिक डिमांड, ठीक है। साइन का कोई लेना देना नहीं है, साइन से यहां पर कोई मतलब नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट यहां पर पहले प्रीफिक्स ना भी करके चले और इसकी वजह से, या भाई इस केस में एक माइनस तो होगा ही, या तो प्राइस माइनस होगा या क्वांटिटी माइनस होगी, और अगर आप यहां आगे प्रीफिक्स माइनस नहीं लोगे तो ईडी माइनस में आएगा, तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। आप जब थ्योरी लिखोगे तो उसमें आप क्लियर कर देना कि भाई ईडी माइनस टू का मतलब है कि अगर प्राइस में 1% से चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी में उसका डबल चेंज होगा, ठीक है, और या प्लस आए तो भी दोनों चीजें सेम है, कंफ्यूज मत होना। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेटा कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको जब आप इस पे 2 4 न्यूमेरिकल्स इस पे बेस कर लोगे तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अभी जैसे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, चलो न्यूमेरिकल करते हैं कि भाई एक आइसक्रीम है, क्या है? आइसक्रीम। उस आइसक्रीम कप की कीमत है 4 रुपीज, ठीक है, और
उसकी जो डिमांड है, मतलब वो कब खरीदा जा रहा है, डिमांड ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम वन कप, सिर्फ एक कप, ठीक है। अब इसका जो प्राइस है वो 4 से बढ़कर हो गया 2, मतलब कम हो गया, सॉरी 2, ठीक है। और जो जाहिर सी बात है, प्राइस अगर कम हुआ है तो क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो एक कप से बढ़कर हो गया 4 कप इसकी डिमांड, यानी प्राइस कम हुआ क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो ईडी फाइंड आउट करो, ईडी पूछेगा क्वेश्चन आपसे। तो ईडी कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे भाई पी का मतलब प्राइस जो था इनिशियली 4, P1 हुआ 2, यानी चेंज इन प्राइस हो गया 2 -4 -2, ठीक है। फिर लिखोगे Q इज इक्वल टू था 1, ठीक है। फिर था Q1 कितना है 4, यानी नए वाला क्वांटिटी, और चेंज इन Q हो गया 4 -1 यानी कि 3, यानी क्वांटिटी प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। ईडी ईडी निकालो, माइनस का साइन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, माइनस 3 अपॉन -2 इंटू पी अपॉन 1। देखो ये चेंज इन क्वांटिटी की जगह मैंने 3 रखा, चेंज इन प्राइस की जगह मैंने -2 रखा, पी की जगह मैंने इनिशियल प्राइस रखा, क्यू की जगह मैंने इनिशियल क्वांटिटी लिखी, ठीक है, 2। ये माइनस से माइनस साइन यहाँ कट गया, तो ईडी की वैल्यू आई 6, यानी इलास्टिक डिमांड है ये, ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिक डिमांड है, ठीक है ना स्टूडेंट। ईडी की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड 6 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस में 10% से चेंज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज होगा, 60%, 6 गुना चेंज होगा। क्लियर स्टूडेंट। अगर यहां पर मैं प्रीफिक्स ना भी करता माइनस, तो ये माइनस आ जाता -6, तो भी इसका मतलब यही होता। इज इट क्लियर स्टूडेंट। प्रीफिक्स तो इसलिए करा जाता है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए, ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए, ठीक है, बस। और इसका कोई प्रीफिक्स करने का कोई पर्पज नहीं है। तो ये सम आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट ये इतना ही काफी है, आप लोग पहले ये कर लो। होमवर्क में मैं आपको ऐसे ही कुछ इजी इजी सम्स दे दूंगा जिन्हें आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। फिर इनका कल क्लास में कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि पहले अटेम्प्ट में आपको कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बुक के पीछे बैक साइड में बिल्कुल जहां खत्म होती है वहां पर चैप्टर के नाम से क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे अगर मान लो किसी के पास बुक है तो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीके पब्लिकेशन वाली में, और अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं होमवर्क जो भेजूंगा आप उसी में से देखकर क्वेश्चंस करना, ठीक है। और भाई जो नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछना डाउट में। बाकी कुछ सिंपल क्वेश्चन मैं आपको आज देने वाला हूँ, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देंगे। फिर एक ये 2 लेक्चर के अंदर अपना इस ये चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।